असलम टुडेज़ लेक्चर नंबर थर्टी सेवन और सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हमने काफ़ी टॉपिक्स पिछली दफ़ा कवर किए थे रिगार्डिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ आउटपुट एंड इनपुट और उसके अंदर आपने देखा कि जी बहुत सारे तरीके हैं जिनके साथ हम सी इन और सी आउट के साथ इनपुट और आउटपुट की फॉमेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं कई ऑल्टरनेटिवस थे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि जी एक है काम के लिए तीन तीन चीज़ें हैं लेकिन ऑल यू नीड टू डू इज़ सिलेक्ट अ मैथड एंड देन स्टिक विद इट और ये याद रखें कि जी किताब और बाकी रेफरेंस मटेरियल तो हमेशा आपके पास होता है जब भी हम इन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं नई लैंग्वेजेस की नए टूल्स की वहाँ पे आई वुड ऑलवेज रेकमेंड वन थिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ कि जी क्या चीज़ की जा सकती है कैसे की जाती है वो हमेशा आपको रेफरेंस मटीरियल में मिल जाती है सो यू नो द एग्जैक्ट सिंटैक्स यू कैन ऑलवेज़ लुक अप इन अ बुक बट वॉट यू नीड टू नो इज़ कि जी एक टू डिजिट नंबर जो है उसको हम सेवन स्पेस वाइड जगह के अंदर उसको प्रिंट कर सकते हैं एंड सो ऑन सो देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क इन टर्म्स ऑफ कि जी क्या चीज़ आपको याद रखनी है और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि जी आपको ये पता होना चाहिए कि जी लैंग्वेज के साथ क्या कुछ हम कर सकते हैं एग्जैक्ट सिंटेक्स डोंट वरी टू मच अबाउट इट ना ऑब्वियसली फॉर द कोर्स यू हैव टू लर्न अ फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो कि जी लाइन कैंड पे सेमिकोलन होना चाहिए but when you come to new languages if your concepts are sound you pata hona that ki language decision construct hota hai so if else hum to karte hain to yahan pe shayad kuch decision construct hai so you can always look it up same applies to loops same applies to other idiosyncrasies of every language so languages do the same things but with a different syntax the important thing to understand or remember is that ji kya cheez ki sakti hai कैसे वाला हिस्सा रेफरेंस में मिल जाता है आज जिस टॉपिक की हम तरफ चले हैं वो है ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमने ऑलरेडी किया हुआ है काफ़ी उसके ऊपर बात की थी लेकिन आज हम इनपुट और आउटपुट के हवाले से बात करने लगे हैं वॉट वी वॉन्ट टू डू इज लुक एट ऑपरेटर ओवरलोडिंग द स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स यानी जिनको हम डबल ग्रेटर दैन डबल लेस दैन कहते रहे हैं वाई डू वी वॉन्ट टू डू दिस थोड़ी सी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए नाउ द आइडिया इज़ कि जी एज़ विद अदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने किसी से कॉम्प्लेक्स क्लास ली थी और उसके साथ कहा था कि जी प्लस हम ऑपरेटर ओवरलोड कर देते हैं मकसद करने का ये था कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डील कर रहे हों तो उनकी अरिथमेटिक उसी तरह नज़र आए जैसे हमारी नेटिव डेटा टाइप्स यानी इंट्स की या फ्लोट्स की या डबल्स की नज़र आती है सो वन वी रीड अ प्रोग्राम एंड यू नो दैट जेड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो कहीं पे आपने जेड वन प्लस जेड टू की एक्सप्रेशन देखी तो समझ भी आ जाती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है रादर देन यूज़ द पुराना सी वाला कॉन्सेप्ट कि जी एक फंक्शन कॉल होगी कॉम्प्लेक्स एड या सी एड और फिर उसको दो पैरामीटर्स दिए जाएंगे सो द आइडिया इज़ टू मेक अ प्रोग्राम मोर रीडअब एंड यूज़ थिंग्स दैट वी आर यूज टू यानी अगर मैंने कोई आउटपुट करनी है तो मे बी आउटपुट कोई स्पेशल तरीके से हो रही हो लेकिन इफ़ आई एम यूजिंग द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यानी सी आउट लेस देन लेस देन लिख के मैं आगे कोई ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ तो पढ़ने वाले को एकदम पता चल जाता है कि जी ये आउटपुट हो रही है नाउ द सेम थिंग दैट यू डीड विद अदर ऑपरेटर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेयर लेकिन जो चीज़ याद रखने वाली है कि जी ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम बेसिकली फंक्शंस लिख रहे होते हैं कोई नई चीज़ नहीं कर रहे होते जब हम फंक्शंस लिख रहे होते हैं तो अगेन वी हैव द एबिलिटी और द फैसिलिटी टू डू एनी थिंग वी लाइक यानी फंक्शन के अंदर जो मर्जी हमारा दिल करे हम लिख सकते हैं लेकिन जिस तरह हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए भी किया था ऑपरेटर का स्पिरिट जो है वो मेंटेन रखना चाहिए नाउ व्हेन वी हैव अ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यानी डबल लेस दैन जिससे हम नॉर्मली इंट्स वगैरह को आउटपुट करते हैं स्क्रीन के ऊपर तो हम चाहेंगे कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट्स या अपनी क्लासेस के लिए इस ऑपरेटर को ओवरलोड करें तो ये फिर भी यही काम करे यानी कि आउटपुट दिखाए नाउ एज आई मैंशनड फ्रीडम हमारे पास है हम चाहें तो उसके अंदर किसी क्लास के स्क्वेर रूट ले लें दैट इज़ अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड और कुछ भी ना करें बट दैट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द ऑपरेटर सो वी वुड लाइक टू मेनटेन द स्पिरिट सेम अप्लाइज टू स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स या अगर डबल ग्रेटर देन साइन के हम करते हैं सी इन Greater than greater than i, where i was an integer. So, what we were doing was we were reading input normally from the keyboard and putting it into an integer variable. Now, if we were to define a double greater than in you know, a stream extraction operator for our own class, we would want the wobi input kahi function perform kare koi or kamna karne lag So, freedom is there, but please maintain the spirit and write. Insertion operators and extraction operators the way they behave with other native data types. Now, again, we are re actually revisiting the topic of operator overloading. So, most of this stuff is stuff that I have already spoken to you about. Nonetheless, let us take a look at what is required. we koi operator overload karne jate hain, toh, पहले देखना है आपने कि वो यूनरी ऑपरेटर है कि बाइनरी ऑपरेटर है और याद रखें कि जी उसको हम चेंज नहीं कर सकते अगर कोई बाइनरी ऑपरेटर है जैसे प्लस सिंबल है सो ए प्लस बी लिखा जाता है इसमें दो ऑपरेंट्स होते हैं तो हम अपना ऑपरेटर ओवरलोड करते वक्त उसका नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज नहीं कर सकते यानी बाइनरी ऑपरेटर विल रिमेन बाइनरी सो तो अब अगर इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को देखें तो यू रियलाइज़ कीजिए एक तरफ़ सी इन या सी आउट ऑब्जेक्ट है या आई स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑपरेटर की दूसरी तरफ कोई डेटा होता है इंट हो सकता है फ्लोट हो सकता है या हमारा किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जनाब ऑपरेटर जो है वो कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा यही हमें मसला आया था प्लस माइनस के साथ कि जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं समथिंग लाइक ए प्लस बी प्लस सी तो वो काम करती है अगर ए बी सी इंटीजर्स हैं दैट मीन्स अब उसका ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन हमको देखना है कि जी नॉर्मली बी प्लस सी पहले ऑपरेट करता है और कोई चीज़ रिटर्न करता है जो कि फिर ए प्लस दैट थिंग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं सो इवन द ऑपरेटर्स हैव वैल्यूज़ अब जब हम ये ऑपरेटर ओवरलोड करने चले हैं इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स के लिए अब मैं स्ट्रीम्स का वर्ड इस वास्ते इस्तेमाल करूंगा कि अब हमने थोड़ी सी उसके ऊपर डिस्कशन कर ली है और याद रहे कि स्ट्रीम वही है इट्स अ पाइप कनेक्टिंग सम एरिया इनसाइड द कंप्यूटर लाइक मेमोरी और डेस्क और समथिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड विच मे बी द की और द स्क्रीन अ प्रिंटर और सम अदर डिवाइस सो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स जो हैं उनको हमने उनके ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना है उनके इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को ओकेजनली मैंने ये भी मैंशन किया है कि ये ऑपरेटर्स ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं देखें ऑलरेडी अगर सी इन के साथ आप देते हैं ग्रेटर देन ग्रेटर देन आई जहाँ पे आई जो है वो इंटीजर है वो काम करता है आई की जगह पे हम एक्स लिख देते हैं जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तब भी सी इन के साथ स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर काम करता है यानी इंट का काम और है फ्लोट की इनपुट लेना और तरीके से लेते हैं अगर हम कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं तो उसका और तरीका है

ना देट वीर गोइंग टू ओवर लोड दीज ऑपरेटर्स लेट अस टेक अ लुक एट कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए पहली चीज़ ये कि ये जो इंसर्शन और जो एक्स्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैं ये बाइंड्री ऑपरेटर्स हैं इनमें दो ऑबजेक्ट्स हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन होना है एक ऑबजेक्ट तो हो गया हमारा सी इन या सी आउट यानी आई स्ट्रीम का ऑबजेक्ट या ओ स्ट्रीम का ऑबजेक्ट और दूसरी तरफ जो है ऑपरेटर के यूजली हमारा अपने क्लास का कोई ऑबजेक्ट होता है वाई बिकॉज नेटिव डेटा टाइप्स के लिए तो ये ऑलरेडी ओवर लोडेड हैं सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज नाओ दैट दिस इज डिफाइंड इट इज़ बाइनरी द अदर पार्ट वी नीड टू वरी अबाउट इज कि जी इनको कैसकेड करना है कि नहीं करना कैसकेड करने का क्या मतलब है वही जो मैंने अभी बात की थी कि जी हम ए प्लस बी प्लस सी अगर लिख सकते हैं या पहले हम सी इन के साथ हम लिखते हैं सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन आई ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन जे एंड सो ऑन यानी आप एक लाइन में एक दो तीन स्ट्रीम एक्स्ट्रैक्शन फंक्शनस कर सकते हैं या सीआउट के साथ एक दो तीन स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेशन कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए तो हम इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि जी इनको हम कैसकेडेबल बनाना चाहेंगे अब मतलब इसमें ये कोई लाजमी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने पहले बात की थी कि जनाब बिकॉज दीज आर ऑपरेटर्स एंड वी राइट दम एज फंक्शन वी हैव फ्रीडम टू डू वॉट वी वॉन्ट बट वी वॉन्ट टू मेनटेन द स्पिरिट ऑफ द ऑरिजिनल ऑपरेटर्स नाउ लेट एस टेक अ लुक एट वॉट हैपन्न वी ट्राई टू ओवरलोड एन ऑपरेटर फॉर अ क्लास वॉट इज कि जी अब एक तरफ जो हमारा स्ट्रीम ऑपरेटर आना है ठीक है सी इन या सी आउट और दूसरी तरफ आना है ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास तो इसको लिखने का तरीका जो है वो ये है कि जनाब क्लास के अंदर हमारे पास कोई सेट या गेट फंक्शन अगर मौजूद हैं जो कि पब्लिक फंक्शनस हैं फिर तो ये ऑपरेटर्स उनको इस्तेमाल कर लेंगे फॉर इनपुटिंग एंड सेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और गेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ इंटरनल प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड आउटपुटिंग देम। ऑन द अदर हैंड अगर हम चाहें कि जो क्लास के अंदर वाले प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली गेट कर ली जाएँ या डायरेक्टली आउटपुट कर ली जाए तो कोई मैकेनिज्म है हमारे पास ये काम एकम्प्लिश करने के लिए इफ़ यू रिमेंबर वी हैड अ फैसिलिटी कॉल्ड अ फ्रेंड फंक्शन यानी एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास का दोस्त है दोस्त वो हो सकता है तो दोस्त के नाते उसको एक्सेस है टू द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास और प्राइवेट फंक्शंस Now, when we want to overload these operators, we have to keep that in mind that we have two different ways of overloading. Remember Hamari-sari discussion, our hui classes, or unke objects, here, ja because we want to overload operators with respect to our class. First point to understand is, can these overloaded operators be member operators of these classes? Answer is no. They can't be members. Can anyone tell me why? ड्यू यू थिंक ये मेम्बर जो ऑपरेटर्स हैं नहीं हो सकते मेम्बर फंक्शन नहीं हो सकते क्लास के रीज़न इज़ एक्चुअली क्वाइट स्ट्रेट फॉर्वर्ड देखें जो ड्राइव कर रहा है ना इस ऑपरेटर को वो चीज़ है जो लेफ़्टाइड पर है लेफ़्टण्ड साइड पर हमारा या सी इन आता है या सी आउट आता है इन अदर वर्ड एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आता है सो so, जब हम मम्बर डेटा या मम्बर फंक्शनस को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा होता है ऑब्जेक्ट डॉट डेटा ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन हमारा कॉलिंग सिंटेक्स होता है यानी लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट आ रहा होता है इस केस में लेफ्ट साइड पे कोई बाहर की चीज आ रही है बाहर की चीज मीनिंग स्ट्रीम सो जब सी इन और सी आउट बाहर वाले ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस ऑपरेटर तो यह ऑपरेटर जो है यह मेम्बर फंक्शन नहीं हो सकता क्लास का अब अगर यह मेम्बर नहीं हो सकता तो फिर इसको हमें फ्रेंड बनाना पड़ेगा अगेन लाजमी नहीं है जैसे मैंने अभी जिक्र किया अगर हमने अपनी क्लास लिखी ही इस तरीके से है कि उसके अंदर सेट फंक्शंस लगाए हुए हैं कि जी अगर हमारे पास इंट आई इंट जे इंट के क्लास के इंटरनल डेटा मेंबर्स हैं और उसके लिए हमने सेट फंक्शन बनाए हुए सेट आई सेट जे सेट के यानी फंक्शन लिखा हुआ है जो कि कोई भी वैल्यू ले के आई की वैल्यू सेट कर देता है या जे की वैल्यू सेट कर देता है तो फिर हम अपना स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है जो सी इन के साथ इस्तेमाल करना है उसमें हम ये सेट फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज नॉर्मली दीज फंक्शंस आर इन द पब्लिक इंटरफेस ऑफ द क्लास यानी बाहर से जो चीज़ नज़र आ सकती है सेम अप्लाइज़ टू द गेट ऑपरेटर्स यानी अगर हम उनके डेटा मेंबर्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आमतौर पे अगर हमने गेट फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि क्लास के इंटरनल डेटा मेम्बर्स को गेट करें और हमें अवेलेबल कर दें इन ऑर्डनरी वेरिएबल्स तो उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं सो so, एक तरीका तो ये हो गया कि आप फ्री स्टैंडिंग यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी क्लास बाहर एक फंक्शन लिख दें विच इज़ एन ओवरलोडेड ऑपरेटर और वो ऑपरेटर जो है वो बजाते खुद या सेट या गेट फंक्शंस को इस्तेमाल करके क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करें तरीका तो है लेकिन यूजुअली ये ज़रा सा इनकनवीनियंट होता है इसके लिए फिर हम ऑपरेटर को फ्रेंड बना देते हैं अगर फ्रेंड बना दें तो ऑपरेटर नाउ हैज़ फुल एक्सेस टू द इंटरनल प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास एंड देर फोर वी कैन मैनिपुलेट थिंग्स इन साइड द क्लास यूजिंग दीज फ्रेंड फंक्शंस क्योंकि हम क्लास का फ्रेंड बना रहे हैं याद रखें जो हमारी क्लास है हम उसका फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं ओ स्ट्रीम आई स्ट्रीम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कुछ नहीं कर सकते उनका फ्रेंड फ्रेंड नहीं बना रहे हम अपनी क्लास का फ्रेंड बना रहे हैं सो वट वी डू एज नॉर्मली जहाँ पर भी आपने क्लास डिफाइन की तो उसके फ़ौर बाद उस क्लास के फ्रेंड फंक्शनस जो हैं वो डिफ़ाइन कर देते हैं यानी उनकी फ्रेंड फंक्शन की डिक्लरेशन जो है वो तो क्लास के अंदर आएगी लेकिन उनकी डेफिनेशन क्लास की डेफिनेशन के फ़ौर बाद हम डाल देते हैं ताकि वो नज़र आ जाए जस्ट वही ह्यूमन इंटरफेस के तौर पे कि जब हम कोड देख रहे हैं तो नज़र आ जाए ये क्लास है ये इसके फ्रेंड फंक्शनस हैं इकट्ठे लिखे हुए नाउ लेट्स गो ऑन एंड टेक अ लुक एट कि जी और इस पर लवाजमात क्या है अब मैंने कहा कि ये क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स हैं तो इसमें दो आर्गमेंट्स जाने लाजमी हैं क्योंकि ये मम्बर फंक्शन यानी मेम्बर ऑपरेटर्स नहीं हैं लिहाजा इनके आर्गमेंट्स दो बनेंगे जो पैरेंथिस के अंदर हम लिखेंगे याद रहे कि जब हम मम्बर ऑपरेटर बनाने चले थे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस हमने लिखा था एज़ अ मम्बर ऑपरेटर ऑफ अ क्लास इफ़ इट वॉज़ अ मेम्बर ऑपरेटर तो लेफ़्टाइड पर हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट आता था क्योंकि ऑब्जेक्ट आता था तो प्लस ऑपरेटर को वो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज वैसे ही मिल जाती थी यानी नो प्रीफिक्स नीडेड नो एक्स डॉट आई और वाई डॉट जे नीडेड वेयर एक्स एंड एंड वाई वर वर द ऑब्जेक्ट्स आई और जे द इंटरनल डेटा वो ऑटोमेटिकली मिल गई और राइट हैंड साइड पर जो चीज आनी थी वो सिंगल आर्गूमेंट के तौर पर इन ऑपरेटर्स को जाती थी दैट वॉज द केस ऑफ मेंबर ऑपरेटर्स यहां पर हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड ऑपरेटर तो फ्रेंड ऑपरेटर को हम दो आर्गूमेंट्स देंगे पहला आर्गोमेंट वो होगा जो कि ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे आना है यानी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा आर्गूमेंट जो होगा जो ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे आना है वो होगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आर्गोमेंट पेश किया जाएगा सो नाउ लेट अस गो एंड ट्राई एंड ओवरलोड अ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लेट से पहले हम आउटपुट को ट्राई कर लेते हैं अब देखें पहले तो प्रोटोटाइप के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए कि जी इस ऑपरेटर का प्रोटोटाइप लिखा कैसे जाएगा पहली लाइन जो हम डिक्लेयर करते हैं सो वी हैव टू वरी अबाउट द रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप क्या होगी ऑपरेटर की फिर ऑपरेटर का नाम क्या होगा या उसके लिखने का सिंटैक्स क्या है उसके बाद उसके आर्गमेंट्स क्या अस टॉक अबाउट द रिटर्न टाइप ऑफ दिस ऑपरेटर फर्स्ट हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर बनाने जा रहे हैं याद रहे हम लिखते थे सी आउट लेस देन लेस देन आई लेस देन लेस देन जे लेस देन लेस देन के हाउ डिड दैट वर्क पहली चीज़ ये ऑपरेटर्स काम करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो सबसे पहले सी आउट लेस देन लेस देन आई जहाँ आई जे के इंटीजर्स हैं फॉर द मोमेंट सी इन सी आउट लेस देन लेस देन आई जो है वो काम में आता है सो दैट ऑपरेट्स आई की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई लेकिन अब स्टेटमेंट का बाकी वाला हिस्सा जो है यानी लेस देन लेस देन जे उसने भी काम करना है वो एक्सपेक्ट करता है कि लेफ्ट साइड पे मुझे क्या नज़र आएगा सी आउट यानी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो था आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट वही नजर आना चाहिए दैट इन फैक्ट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ दिस स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर सो अगर हम ऑपरेटर को कैसकेड करना चाहें और याद रहे ये हमारा ऑप्शन है बट दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ द ऑपरेटर then the return type of the operator will be a reference to the o stream object clear which means what we will do is we will write something like o stream and so it will be an object of type o stream and means ye uska reference ho so ampersand sign Uske bad kiunke ye class ka member hai ye free stranding operator hai so the syntax is operator less than less than और उसके बाद उसके आर्गमेंट्स आएंगे आर्गमेंट्स आई मेन्शन दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर सो द फर्स्ट वन विल बी द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इट्स सेल्फ सो वहाँ पर हम लिखेंगे ओ स्ट्रीम एंड लेट्स एस या आउटपुट लिख दिया फॉर क्लैरिटी नाउ वॉट आर वी राइटिंग वी राइटिंग द फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ अ रेफरेंस टू द आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ना नोटिस हमने सी आउट नहीं इस्तेमाल किया हमने अपना कोई नाम दे दिया है उसका नाम रख दिया है आउटपुट फिर आएगा कॉमा और फिर हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा सो so कोई भी क्लास जो है हमारी लेथ से ट्रक या व्हीकल क्लास है सो so हम कहते हैं व्हीकल ए दैट विल बी द सेकेंड आर्गूमेंट दैट इज़ प्रोवाइडेड टू दिस ऑपरेटर अभी हम आगे जाके एग्जाम्पल भी कवर करेंगे उसमें हम मेट्रिसिस के साथ डील करेंगे तो वहाँ पे मेट्रिक्स डी आ जाएगा या जो भी हम ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं

और यहाँ पे क्योंकि हम अपना फंक्शन लिख रहे हैं तो जो मर्जी हमारा दिल करे वेरिएबल का नाम देना वो दे सकते हैं हम उस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को नाम देंगे आउटपुट फॉर द मोमेंट और फिर कॉमा के बाद हमने लिख दिया हमारी क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट था हमने कहा व्हीकल एक्स या व्हीकल डी और वॉटर परेंथिस क्लोज ये इसका फंक्शन का प्रोटोटाइप है इसकी डेफिनेशन जो है उसमें अब जैसे हम सी आउट इस्तेमाल करते थे यहाँ पे हम आउटपुट इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्टली लाइक इन एनी ऑर्डनरी फंक्शन जब हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं और पास करते वक्त उसके प्रोटोटाइप में या उसकी डेफिनेशन में कोई नाम दे दिया हमने ऑब्जेक्ट का या वेरिएबल का तो फंक्शन के अंदर वो नाम इस्तेमाल हो रहा होता है सो so, अब ये गलती ना कीजिएगा कि ऊपर आपने डेफिनेशन में पैरथिसिस के अंदर लिख दिया ओ स्ट्रीम एंड आउटपुट और बॉडी के अंदर आप सी आउट इस्तेमाल करना लग पड़े सी आउट ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा जब भी ये ऑपरेटर कॉल होगा सो वी विल वर्क विद जेनेरिक नेम्स अब जो फंक्शन की बॉडी है इट्स एन ऑर्डनरी फंक्शन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विद इट बट इफ़ वी आर मेकिंग इट अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास से हमारी ये जो क्लास व्हीकल थी इसका ये फ्रेंड ऑपरेटर है तो फिर हम व्हीकल की जो भी इंटरनल डेटा मेम्बर्स हैं उनको डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं सो व्हीकल मे हैव नंबर ऑफ सीट्स नंबर ऑफ टायर्स लेंथ हाइट वेट ये उसके प्राइवेट डेटा मेम्बर्स हो सकते हैं तो इस ऑपरेटर फंक्शन के अंदर वी यूज़ समथिंग लाइक आउटपुट लेस दैन लेस लेट्स जैसे हमने अगर उसका जो ऑब्जेक्ट था वो डी था तो डी डॉट सीट्स अब लेट्स रिव्यू दिस और मोमेंट बिफोर वी गेट लॉस्ट हम एक वहीकल का एग्जाम्पल ले चले हमने कहा जी एक व्हीकल क्लास है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स इज़ डिफाइंड थ्रू द वेरिएबल कॉल्ड सीट्स एंड इट विल बी ऑफ टाइप इंटीजर इसी तरीके से नंबर ऑफ़ टायर्स भी हो सकता है ऑफ़ टाइप इंटीजर एंड सो ऑन मे बी उसकी मेक हो सकती है किस मैनुफैक्चर की बनी हुई है ये व्हीकल विच विल बी अ चार पॉइंटर विच मीन इट विल बी अ स्ट्रिंग सो जब भी हम ओवरलोड कर रहे हैं उसके अंदर हमने अगर अब आउटपुट करना है नंबर ऑफ टायर्स सो ऑल वी राइट इज आउटपुट

तो आउटपुट की जगह पे यहां पे सी आउट अपियर कर रहा होगा एक पॉइंट दूसरा कि जी सी आउट लेस देन लेस डी डॉट टायर्स इज दैट अ लीगल स्टेटमेंट द आंसर इज इट इज एब्सोल्युटली लीगल बिकॉज बिकॉज ऑफ व्हाट? मैंने अभी बात की थी कि जी टायर्स हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है अगर वो हमने इंट डिक्लेयर किया हुआ है तो सी आउट को इंट डिस्प्ले करना आता है ऑफ़ कोर्स आता है दैट वॉज अ नेटिव डेटा टाइप सी आउट इज़ ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर टाइप इंट विच मीन्स अब सारी अप्रोच को देखें हम जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उससे हम एक इमारत तमीर कर रहे हैं पुरानी ईंटें जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी जिनको हमें लगाना आता था उन ईंटों को इकट्ठा करके हम एक नई दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सी आउट ऑब्जेक्ट नोज हाउ टू हैंडल द नेटिव डेटा टाइप्स नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट टू हैंडल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर ओन क्लास और सिर्फ ये नहीं है कि जी नंबर्स ही आउटपुट करें आप चाहें तो क्लास को किसी स्पेशल तरीके से आउटपुट कर लें शायद हम इस वहीकल की आउटपुट चाहें कि उसका नाम एक नीटली फॉर्मेटेड पैराग्राफ आए मेक ऑफ द व्हीकल इज़ सम उसके बाद द नंबर ऑफ टायर्स इज फोर नंबर ऑफ सीट्स इज़ सिक्स एंड सो ऑन वी माइट वॉन्ट अ फुल पैराग्राफ एंड वी कुड राइट दिस इन द स्ट्रीम इंसर्शन फंक्शन ऑपरेटर ताकि एक आप लिखें वहाँ पर सी आउट लेस देन लेस दैन डी यहाँ डी हमारा वहीकल क्लास का ऑब्जेक्ट है तो आउटपुट पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आए नाउ दिस इज़ हाउ वीर कंस्ट्रक्टिंग द ऑपरेटर सो बैक अगेन इन साइड वी कैन यूज एनी फंक्शंस दैट आर अवेलेबल टू आस एट दैट टाइम फंक्शंस भी ऑपरेटर्स भी ऑब्जेक्ट्स भी जो भी पब्लिक इंटरफेस में हमारे पास अवेलेबल हैं सो so, अब क्योंकि हमने इसको फ्रेंड ऑपरेटर बनाया क्लास का एज अ फ्रेंड इट हैज़ एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास एंड देरफो वी कुड यूज़ समथिंग लाइक डी डॉट टायर्स नॉर्मली क्लास के इंटरफेस में टायर्स छुपे होंगे और उसके लिए या हमने कोई सेट फंक्शन रखा होगा और गेट फंक्शन रखा होगा यहाँ पे हमने फ्रेंड बना के अपनी क्लास को खोल दिया है जब मैंने फ्रेंड फंक्शंस की बात की थी इन अर्लिया लेक्चर्स हमने कहा था कि जी यस इट इज़ अ वे Of accessing the, uh, private data, getting access to private data of a class, but it's not recommended that you keep on friend functions because that, in a way, negates the whole concept of encapsulation and data hiding. Here, we are relaxing a little bit. We are to write the operator efficiently, make it a friend function. Okay? This is again a guideline; it is not something that you have to follow. इसी तरीके से यू कैन जस्ट राइट योर फंक्शन बट जब उसको रिटर्न करने लगे अंदर जो मर्जी लिखना है आप लिख लें सो यू कैन डिस्प्ले द क्लास व्हीकल इन एनी वे यू फील यू सी फिट बट वेन यू कम टू द एंड ऑफ द फंक्शन रिमेंबर द रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप इसकी थी ओ स्ट्रीम एंड विच मीन्स दिस ऑपरेटर रिटर्न रेफरेंस टू द आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट अब मुझे बताएं कि जी इस फंक्शन के अंदर आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट था कौन सा यानी सी आउट ने किस नाम से इस फंक्शन में अपीयर होना है वो नाम आपको इसकी जो ऊपर वाली प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है उसमें नज़र आ रहा है वो है आउटपुट सो so, जब आप रिटर्न करने लगेंगे या फंक्शन ख़त्म होगा तो उसकी लास्ट लाइन शुड बी रिटर्न आउटपुट ना वाई वी से रिटर्न एंड आउटपुट ना बाय द रूल्स ऑफ रेफरेंसिंग वो कंपाइलर हमारे लिए सारा काम कर देता है हमने तो ऑब्जेक्ट का नाम दे देना है And because its return type is a reference to this object, the compiler takes care of it. It will return a reference to the O stream object. Yeh pura function, let review currently What happens is that if we were to actually call it using something like c out less than less than d, where d is an object of our class, how will this operate? When this function is called, yani what will the compiler generate? इट विल जनरेट अ कॉल टू ओ स्ट्रीम एंड ऑपरेटर लेस दैन लेस दैन ओ स्ट्रीम एंड आउटपुट कॉमा वहीकल डी इस फंक्शन को उसने कॉल कर लेना है बट सिंपली राइटिंग दैट लाइन सी आउट लेस दैन लेस दैन डी जब यह कॉल होगा तो जो फंक्शन है ऑपरेटर फंक्शन उसके अंदर आउटपुट की जगह पर सी आउट चला जाएगा और जो भी व्हीकल का ऑब्जेक्ट फंक्शन में नाम दिया हुआ है वो हमारा जो मेन प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट का नाम था वो उसकी जगह पे चला जाएगा अब आउटपुट के साथ आप जो भी डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं कर लें चाहें तो कोई मैनिपुलेशन भी कर लें नॉट रेकमेंडेड इट वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ द ऑपरेटर बट एट द एंड यू विल रिटर्न आउटपुट विच मीन्स इट रिटर्न रेफरेंस टू सी आउट जिसने इसको कॉल किया था इस रेफरेंस को रिटर्न करने का फ़ायदा

पहला वाला जो हमने स्टेटमेंट लिखी है सी आउट लेस देन लेस देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हीकल वो ऑर्डिनरी ऑपरेशन हो रहा है यानी सी प्लस प्लस को ऑलरेडी पता है कि जी स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते हैं सी आउट के साथ सो सी आउट में द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर अ स्ट्रिंग डेटा टाइप और ये आप आई आई ओ स्ट्रीम डॉट एज के अंदर देख चुके हैं लेकिन वो रिटर्न क्या करती है वंस दिस लेफ्ट टू राइट स्टेटमेंट हैज़ बीन एक्सिक्यूटेड दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट it returns an object of type C out, so the other remaining part of the statement becomes C out less than less than D, where D is our own class ka object और ab ye friend function call ho jayega, friend operator jo banaya tha हमने और फिर ये भी C out return करेगा इस example में हम इसको आगे इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन अगर करना चाहें वो भी कर सकते हैं so just just let's recap this whole operation the

or rather more accurately, a reference to the stream object. The second argument will be our object, object of any of our classes which we have defined, or wo is as an argument shoga. within the operator function we can do what we like. Since we've made it a friend, we can manipulate the private data member of the class. In other words, kyunk output function hain, so isko present kar sakte We can actually work with the

टू डायमेंशनल एरे हमने इस्तेमाल करनी है लेट्स एक छोटी सी मैट्रिक्स बनाई है थ्री बाई थ्री की उसके अंदर हमने डेटा मेंबर्स रख लिए प्राइवेट जिसके अंदर आ गया इंट रोज़ कॉमा कॉलम्स या कॉल्स सो रोज एंड कॉल्स विल डिफाइन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ दिस मेट्रिक्स हम इसको फॉर द मोमेंट सिंपल रखते हैं हम फिक्स ही कर देते हैं सो वी कैन राइट समथिंग लाइक रोज इज़ थ्री एंड कॉल्स इज थ्री और फिर उसका डेटा डेटा जो है वो भी हम कहते हैं इंटीजर टाइप है सो इंट एलिमेंट्स थ्री थ्री स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सो इट्स अ टू डायमेंशनल एरे ऑफ थ्री एलिमेंट्स थ्री रोज थ्री कॉलम्स ये तो मैट्रिक्स क्लास का प्राइवेट डेटा हो गया हम चाहते क्या हैं कि जी एक आउटपुट ऑपरेटर लिखें जो कि काम क्या करे वही काम जो मैंने आपको एज एन एक्सरसाइज कहा था कि जी पिछले लेक्चर में आप करें यानी राइट और अदर यूजिंग द फॉर्मेटिंग फंक्शंस दैट यू नाउ नो राइट और डिस्प्ले द मैट्रिक्स इन अ नाइसली फॉर्मेटेड फैशन सो आप वो ग्राफिकल कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल करें जो मैंने बताया था कि जी ऑल्ट दबा के थ्री डिजिट कोड इस्तेमाल करें और फिर उसके स्क्वेयर बैकेट्स बड़े से बना के उसके अंदर तीन नंबर प्रिंट करें जो कि नाइसली अलाइंड हों यूजिंग द सेट विद फंक्शन सेट डब्ल्यू जो है यहाँ पे अब वो सारा काम उठा के आप आउटपुट ऑपरेटर के अंदर लिख सकते हैं सो वॉट यू कुड डू इज़ नंबर वन डिक्लेयर अ फ्रेंड ऑपरेटर द फ्रेंड ऑपरेटर मस्ट बी द डेक्लेन मस्ट बी मेड इन साइड द क्लास सो इन साइड द क्लास वही सारे जो प्रोटोटाइप अभी तक हमने डिवेलप की है हम कहते हैं उसके आगे वर्ड लगा देते हैं फ्रेंड हम कहते हैं फ्रेंड ओ स्ट्रीम एंड ऑपरेटर लेस दैन लेस दैन विद इन प्रेन्थिस ओ स्ट्रीम एंड आउटपुट कॉमा मेट्रिक्स एम सो so, ये उसकी प्रोटोटाइप डेफिनेशन हो गई एंड पे ऑफ कोर्स सेमी आएगा और क्लास के अंदर हमने इसको एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया जो अभी मैंने गाइडलाइन दी थी कि अब क्लास की जहाँ पे भी डेफिनेशन ख़त्म होती है उसके फ़ौर बाद हम नॉर्मली क्लास के मेंबर फंक्शंस लिख रहे होते हैं मेंबर फंक्शंस लिखते वक्त आपको याद होगा कि क्लास कोलन कोलन इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये फंक्शन जो है इस क्लास का मेंबर है यह ऑपरेटर जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं ये तो क्लास का मेंबर नहीं है इट इज़ अ फ्रेंड ऑपरेटर लिहाजा इसमें वो कोलन कोलन वाला सिंटेक्स नहीं आएगा ये एक्चुअली अलोन ऑपरेटर है बाकी सिंटेक्स वो है जो अभी हमने कवर किया सो तो हम ओ स्ट्रीम एंड ऑपरेटर लेस दैन लेस ओ स्ट्रीम एंड आउटपुट कॉमा मेट्रिक्स एम ये इसके डेफिनेशन की पहली लाइन होगी उसके बाद मेट्रिक्स का डिस्प्ले आएगा सिंपल कर लेते हैं फॉर द मोमेंट आई लीव द एक्सरसाइज पार्ट अप टू यू बट यू कैन कट एंड पेस्ट द कोड दैट यू हैव रिटन ऑलरेडी फॉर फॉर्मेटिंग द मेट्रिक्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है जब भी आप आउटपुट करने जाएंगे अब आपके पास मेट्रिक्स वाला ऑब्जेक्ट जो है वो एम के नाम से आया हुआ है उसके एलिमेंट्स को आप हाथ लगा सकते हैं सो यू कुड राइट अ स्टैंडर्ड नेस्टेड लूप देखिए है मेट्रिक्स जो है वो रोज एंड कॉलम्स की है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं

फॉर रो नंबर जीरो कॉलम नंबर जीरो फिर कॉलम वन फिर कॉलम टू फिर रो नंबर वन कॉलम जीरो कॉलम वन कॉलम टू आई एम श्योर यूर फेमिलियर विद नेस्टेड लूप्स सो आई डोंट नीड टू लेबर दिस पॉइंट टू मच इन नेस्टेड लूप के अंदर जाके नाउ यू कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ आई जे यानी स्क्वेयर बैकेट्स के साथ विच मीन्स द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द मेट्रिक्स कौन सी मेट्रिक्स जो इस फंक्शन के अंदर m के नाम से आई हुई है सो द ऑब्जेक्ट के मेन एज एज विद द नेम m. सो नाउ यू कैन डू समथिंग लाइक आउटपुट लेस देन लेस देन एम डॉट एलिमेंट्स और एलिमेंट ऑफ i j. सिंपल जो सी आउट के साथ आपने लिखना था अगर ये मेंबर फंक्शन होता यहाँ पे आप लिख रहे हैं इन अ फ्रेंड ऑपरेटर यू यूजिंग द आउटपुट वाला ऑब्जेक्ट विच हैपन्स टू बी कमिंग इन बाद में सी आउट बन जाएगा जब हम इस्तेमाल करने जाएंगे लेकिन हमारे ऑपरेटर के अंदर उसका नाम आउटपुट है और दूसरी तरफ एम जो है वो मेट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट हमने कहा ये मेट्रिक्स का प्राइवेट डेटा मेम्बर है सो यहाँ पर एक्सेस कैसे हो रहा है भाई इस ऑपरेटर को हमने बनाया ही फ्रेंड ऑपरेटर था यानी फ्रेंड फंक्शन के तौर पर डिफाइन किया था सो देट बेसिकली इज़ द वे दैट वी यूज़ से और डिफाइन स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर्स अब अगर हम अपनी अटेंशन को आगे तरह से एक्सपेंड करें और कहें कि जी स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन के लिए क्या किया जाए स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन इज़ समथिंग लाइक सी इन ग्रेटर देन देन ग्रेटर आई नॉर्मली हमारा आई जो है वो इंटेजर होता है या कोई और नेटिव डेटा टाइप होती है अब इसी को ले लें हम कहते हैं मेट्रिक्स के लिए हम करना चाहते हैं सी इन ग्रेटर जहाँ एक्स जो है इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मेट्रिक्स वही सारी चीज जो अभी हमने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के लिए बात की अब हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए करने जा रहे हैं द ऑपरेटर इज बाइनरी इसके दोनों तरफ कोई चीज़ आती है लेफ्ट साइड के ऊपर सी इन ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है इन अदर वर्ड्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आई स्ट्रीम राइट हैंड साइड के ऊपर हमारी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है इन दिस एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मेट्रिक्स सो इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर क्या ये मेट्रिक्स का मेंबर ऑपरेटर हो सकता है आंसर इज नो इसके तो लेफ्ट हैंड साइड पे आई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आ रहा है सो लेफ्ट हैंड साइड पे मेट्रिक्स नहीं आ रही तो ये मेट्रिक का मेंबर ऑपरेटर नहीं है लिहाजा अब या वही बात कि आप सेट फंक्शंस इस्तेमाल करें अगर आपने क्लास मेट्रिक्स के लिए लिखे हुए हैं वरना जैसे हम पहले कर चुके हैं हम इसको भी फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं यानी फ्रेंड ऑपरेटर ऑफ द क्लास हाउ डू वी डिफाइन इट विद इन द क्लास मेट्रिक्स वी से फ्रेंड आई स्ट्रीम एंड ऑपरेटर ग्रेटर देन ग्रेटर देन परंथिस के अंदर अब दो आर्गूमेंट्स आएंगे पहला आर्गूमेंट विल बी आई स्ट्रीम एंड इनपुट अब इनपुट हमारा प्लेस होल्डर है इट्स द टेम्प्ररी नेम दैट वी आर यूजिंग फॉर द आई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फिर कॉमा मेट्रिक्स एम सो नाउ वी डिफाइनिंग दस टू आर्गूमेंट्स दैट गो इन टू द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये इसका प्रोटोटाइप हो गया जो हमने फ्रेंड बना के क्लास के अंदर डिक्लेयर किया क्लास के बाहर निकल के जब हम ऑपरेटर को डिफाइन करने चलेंगे तो उसके बारे में आपने वहाँ पे तो फ्रेंड नहीं लिखना इट्स अ फ्री स्टैंडिंग ऑपरेटर

क्योंकि हम कैसकेड करना चाहते हैं तो उसी आर्गूमेंट के तहत ये लेफ़्ट टू राइट ऑपरेट करते हुए जब पहला सी इन चलेगा वो ऑपरेशन इनपुट तो लेके किसी वेरिएबल में डाल देगा बट इट मस्ट रिटर्न अ रेफरेंस टू एन आई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट वर्ड्स इट मस्ट रिटर्न अ रेफरेंस टू सी इन सो इसमें हमने प्रोटोटाइप या इसकी डेफिनेशन के अंदर भी हमने कहा कि इसकी रिटर्न टाइप है और रिटर्न टाइप जो है वो है आइस स्ट्रीम एंड इट इज़ अ रेफरेंस टू एन आइसट्रीम ऑब्जेक्ट एंड देट नॉर्मली विल बी सी इन उसके बाद वही की वर्ड आ गया ऑपरेटर ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन अब ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन हो रही है और उसके बाद उसके आर्गूमेंट्स आने हैं पहला आर्गूमेंट वो होगा जो ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है सो इन अदर वर्ड्स दैट विल बी आर आइस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सो वी राइट आइस स्ट्रीम एंड

आ जाएं ऑपरेटर के अंदर अब हम मैट्रिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं कीबोर्ड से अब यहां पे देखें फ्रीडम हमारे पास क्या आती है क्योंकि ये एक ऑर्डनरी फंक्शन है जिसको हम लिखने जा रहे हैं यहां पे आप सी आउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं सो यू कुड एक्चुअली प्रॉम्प्ट द यूजर फ्रॉम विद इन द इनपुट स्टेटमेंट सो हम पहली लाइन लिख देते हैं प्लीज एंटर द वैल्यूज ऑफ द मेट्रिक्स और मतलब थ्री एट अ टाइम या जो भी हम जिस तरह से पढ़ना चाहें सो यू कैन एक्चुअली गिव अ प्रॉम्प्ट टू द यूज़र उसके बाद पढ़ने का तरीका इस मैट्रिक्स के लिए या इस एग्जांपल के लिए बिल्कुल वही है जो हमने आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया था इन अदर वर्ड्स वी विल यूज नेस्टेड लूप्स पहले हम लूप चला देते हैं रोज़ के ऊपर सो फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस दैन रोज़ इंक्रीमेंट आई उसके ब्रेसिस शुरू हुए अंदर वाली नेस्टेड लूप कहती है for int j equal to 0, j less than calls j plus plus increment j. Ab we are going to be user friendly again. Andar wali loop ke andar, we can now start using prompts. So we can do something like, c out less than less than, please enter the value of element, or age less than less than i, comma less than less than j. Now it is nice for the user to be able to see, please enter the, वैल्यू ऑफ एलिमेंट जीरो कॉमा जीरो उसके बाद आएगा प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट जीरो कॉमा वन एंड सो ऑन सो प्रॉम्प्ट साथ साथ आ सकते हैं अब जो यूजर से पढ़नी है चीज़ वो हम प्लेस कहाँ करना चाहते हैं इस मेट्रिक्स एग्जाम्पल में उसकी एलिमेंट टू डायमेंशनल एरे के अंदर हम डालना चाहते हैं सो so, हम कहते हैं इनपुट याद रहे हमारा जो आई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट था जो डेक्लोरेशन लाइन पे है उसका नाम था इनपुट तो यहाँ पे इनपुट ग्रेटर देन ग्रेटर देन

इनपुट the name नेम we वी So, सो say रिटर्न इनपुट एंड ऑफ operator फंक्शन आई स्ट्रीम एंड जो हमने ऊपर वाली लाइन पे लिखा कि ये इसकी रिटर्न टाइप है उसने ऑटोमेटिकली रिटर्न इनपुट को एज अ रेफरेंस ट्रीट करके वापस कर दिया अब यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जब हम आउटपुट करने चले थे मेट्रिक्स को तो देखें मेट्रिक्स को हम कुछ नहीं कर रहे थे वी वर जस्ट रिटर्निंग वैल्यूज इन अदर वर्ड्स डैट फंक्शन कुड हैव बेन अ कॉल बाय वैल्यू वी कुड हैव सेंट द वैल्यूज ऑफ द मेट्रिक एंड डिस्प्लेड दम ऑन द स्क्रीन नो प्रॉब्लम जो ऑरिजिनल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी एक कॉपी बनाओ और कॉपी कॉपी स्क्र... को स्क्रीन पर प्रिंट कर दो ऑन द अदर हैंड जब हम मेट्रिक्स को इनपुट करने जा रहे हैं तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन साइन के राइट हैंड साइड पर दैट मेट्रिक्स ऑब्जेक्ट Object key up values he change ho So, we have to be careful. Since the call to the operator is nothing but a function call, we want to make sure that the function call is a call by reference and not a call by value. Output ke call by value is fine. If call by reference is तो वो होगा फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी ताकि पूरे ऑब्जेक्ट की कॉपी ना बनानी पड़े उसका रेफरेंस भेज दो उसको हम आउटपुट कर देते हैं लेकिन इनपुट वक्त इनपुट के वक्त इट इज़ नेसेसरी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस पॉइंट इट इज़ नेसेसरी टू सेंड अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ताकि जब आप वैल्यूज़ पढ़ें और एरे के अंदर स्टोर करें तो वो इन दिस केस एलिमेंट एरे वो मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट के अंदर भी वैल्यूज़ को अपडेट कर दे। ये कोई प्राइवेट कॉपी अपडेट ना हो रही हो ताकि जब ऑपरेटर खत्म हो तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कुछ भी नहीं हुआ सो इन दिस केस द प्रोटोटाइप ऑफ द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का सेकेंड वाला आर्गोमेंट जो है वो भी रेफरेंस आर्गोमेंट होना चाहिए सो नाओ लेट अस रिवाइज दैट फर्स्ट लाइन इट्स इज आई स्ट्रीम एंड दिस ऑपरेटर रिटर्न रेफरेंस टू एन आई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट i stream and operator greater than greater than then within parentheses we say i stream and input a reference to the input stream comma matrix and m a reference to an object of type matrix ye critical hai isko yaad rakhiyega कि जनाब reference भेजना है जब भी आप input कर रहे हैं otherwise original object को कुछ भी नहीं होगा उसकी कॉपी जाएगी कॉपी में वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा ये सारा काम करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कुड वी हैव डन दीज थिंग्स इन अ डिफरेंट वे द आंसर इज येस देर आर ऑलवेज मेनी वेज टू डू दीज थिंग्स वी कुड हैव मेड टू मेम्बर फंक्शन फॉर द मेट्रिक्स वन कुड हैव बिन गेट मेट्रिक्स रीड द मेट्रिक्स फ्रॉम द यूजर एंड द अदर वन कुड हैव बीन डिस्प्ले मेट्रिक्स नॉ दिस वुड हैव बीन मेम्बर फंक्शन एंड वी वुड हैव यूज देम एज एम डॉट गेट मेट्रिक्स और उसने प्रॉम्प दे के सारा काम वही कर लेना था जो अभी हमने ऑपरेटर में किया है दूसरा माइट हैम डॉट डिस्प्ले मेट्रिक्स एंड इट वुड हैव डिस्प्लेड द मेट्रिक्स इन अ नाइस फॉर्मैट ऑन द स्क्रीन हमने जाके ऑपरेटर्स ओवरलोड किए हैं क्या फ़ायदा हुआ फ़ायदा ये हुआ कि जब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो वहाँ पर अब हम लिख रहे होंगे सी इन

In other words the readability of the program goes up. I think it goes up by orders of magnitude. We start looking at things exactly the way as we were handling native data types. We have been in a way extending the language. Humne jab classes define key we started defining user-defined data types. Ko tha, class kya hai? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है फिर उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए विच आर लाइक एक नेटिव डेटा टाइप का एक इंस्टेंस होता है इंट आई आई इज़ अ डेटा ऑफ टाइप इंटेजर तो हमने कहा मेट्रिक्स एम वो जनाब मेट्रिक्स जो है बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मेट्रिक्स उसी स्पिरिट को आगे लेते हुए ये अदर वर्ड्स एक्सटेंडिंग द लैंग्वेज वट वीव डन इज नाउ वी एक्सटेंडेड द ऑपरेटर्स एंड जो सी इन और सी आउट हम ऑर्डिनरी बिल्टिन नेटिव डेटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल करते थे हमने उसको इस्तेमाल कर लिया है विद आर ओन क्लासेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स इज क्वाइट अ जेनेरिक एक्टिविटी इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट ओवरलोड ऑपरेटर्स एनी वे वी वॉन्ट नन द लेस फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ क्लासेस इस्पेशली क्लासेज जहाँ के ऊपर हम एरेथमेटिक डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं मेट्रिस हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए it is nice to be able to overload almost all of the arithmetic operators and in particular overload the insertion and extraction operators as well so that when we write the program it looks exactly the same as we would be writing for native data types nonetheless kahina line lagani hai so i leave it up to you to make an intelligent decision can you the operators overload kanihi or con अलीदा आप फंक्शंस के थ्रू हैंडल करेंगे वाई यू मेक दिस डिस्टिंक्शन इज़ वेल अदरवाइज यू कैन कीप ऑन राइटिंग अ क्लास फॉर एवर ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं कहीं आपको प्रैक्टिकल लिमिट डिटर्मिन करनी पड़ती है दिस विल कम विद एक्सपीरियंस बट नन द लेस रिमेंबर वन थिंग आपने क्लास को प्रजेंट करना है हमेशा क्लास लिखते वक्त ये सोचिएगा कि ये किसी और ने इस्तेमाल करनी है किसी और के इस्तेमाल को अगर आप आसान बना सकते हैं देन यू वुड हैव सक्सीडेड इन योर पर्पज़ make it obvious, make it easy. Do not do strange things. A stream insertion operator should remain a stream insertion operator. Regular operator cascade ho sakta hai, Yahan pe bhi cascade banai and so on so forth. Next time, we will look at two small topics but which are very important in writing our C++ programs. Till that time, Khuda hafiz.